साल जंहिं कयो हूंदो उन छा न ॼाण रखी हूंदी उन शइ में जे पंहिंजो ॾींहुं राति उन में विञाए छॾियो विञाए न कामयाबी माणी आहे पंहिंजो सैलान अथनि रिज़वान असलम जे नाले सां सो वेलकम डॉक्टर रिज़वान असलम अस्सलाम वालेकुम कीअं आहियो बिल्कुलु ठीकु आहे सिधी त सम्झो पिया थोरो त कीअं आहियो ठीकु आहियो ख़ुशि आहियो फस्ट क्लास आहियो हाणे इहे त ॻाल्हियूं सम्झी वेंदा हूंदा न एतिरो ॾिठई थोरा थोरा सम्झा त तव्हां बिल्कुलु सीधा थी वञो त कैमरा कैप्चर किरी यस आज आप हमें पहले तो हम आपको वेलकम करते हैं थैंक यू और बहुत अच्छा लग रहा है आप मॉडल नहीं लाते तो मेरे चांस बहुत अच्छे थे मैं क्या करूं आप मॉडल ले आए तो शैलिन की आंखें कोई जरूरत नहीं है मैंने कहा मेरे बाल चेंज करवा दो करने नहीं देती मैंने कहा यहाँ लाइव हो जाता मैं कहती होस्ट करवा रही है कहती होस्ट नहीं करती मैंने कहा मैं कर लेती ना इनकी होस्ट नहीं होती तो मैंने आपका कलर हो जाएगा हमारे हो जाएगा मेरा दिल करता है वो मुझे करने नहीं देती कहती नहीं यही चलाओ मुझे अच्छा लगता है क्या करूँ बहन जो हो गई है सो आज आप हमें हेयर के बारे में क्या बताएंगे क्या ट्रीटमेंट बताएंगे कलर्स के हवाले से हम कलर कुछ इस तरीके से करेंगे हम लेटेस्ट टेक्निक करेंगे बलियाज करेंगे ठीक है और बलियाज के अंदर भी मल्टीपल टेक्निक्स होती हैं जो कि हम फेस फ्रेमिंग बलियाज करेंगे ठीक है जिससे फेस फ्रेमिंग बलियाज से ये होता है कि फेस हमारा जो होता है हमारे फेस से कट्स वगैरह पूरा प्रॉपर इन्हेंस हो जाते हैं और फिर उसके बाद फिर मल्टीपल शेड्स आ रहे होते हैं तो वो अच्छा लगता है काफी जबरदस्त तो वो मेरे ख्याल से ट्रीटमेंट को छोड़ना नहीं चाहिए वही बातें भी करते रहते हैं बिल्कुल और जाते हैं पर सच बताया बाले आज जो डाडो से को चली ना बुढ़न दी से चलो इतने आई बड़ी मैंने शौक को चेंज कर दो बड़ी सब बाली आज हेलो देर में था कहीं इस हाथी शायद मूड थी मेरी मुझे चली इनके पापा टाई बैठा जी रिजवान ये आपकी मॉडल है ये मेरी मॉडल और ये आपकी असिस्टेंट ठीक डन गुड मेरे ख्याल से मैं यहाँ ठीक है मैं यहाँ बैठ जाऊँ या नहीं ओके मुझे खड़ा होना होगा हम फेस फ्रेमिंग बलियाज कर रहे हैं तो हमें हर तरफ से ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हमारे बाल जो हैं वो फेस को कवर अप करें और हमारे जो भी टेक्निक है वो हमारे बलियाज को कवर अप करें ठीक है कवर करके इस तरीके से करेंगे कि हम ये हमारा सेक्शन है तो ये सेक्शन हमारा क्राउन एरिया का है इसको हम लेकर अच्छा ये यहाँ से मैं एक चीज नोट कर रही हूँ अगर मैं इसको थोड़ा सा हटाऊं ये जो ये इसी तरह ही लिया जाए ट्रायंगल ही आएगा ट्रायंगल ही आएगा अगर मुझे कैमरा दिखा रहे कैमरा हाँ ये देख रहे ना आप लोग ट्रायंगल बन रहा है ये ट्रायंगल आएगा तो ट्रायंगल जिस तरीके से आएगा उससे ये होगा कि ये फेस फ्रेमिंग में फ्रंट पे भी गिरेगा और सामने भी आएगा वाओ ये बड़ी पॉइंट वाली बात बता रहे हैं इसके बाद वरना तो गोल या जो भी किस तरह उठा लेते हैं एग्जैक्टली अब जैसे कि ये है हमारा हम ये हमारा फ्रंट का एरिया आ गया अब इससे ये होगा कि हमारे जैसे फेस में आई फेस की तरफ गिरेगा तो हमारा फेस और शिलिंग लगेगा ओके अच्छा ये ट्रायंगल जेको जिते हते अचे पियो ना ही दिसो पिया हता ही वरी लाइन सा वार अलग सा मतलब इन जा दिसो अलग कया हुआ है पोर्शन में तो हम इसी तरीके से सेम इस दूसरी तरफ ले लेंगे और इसको सेपरेट कर लिया ये हम आपको घुमाते रहेंगे जी अच्छा एक चीज इस टेक्निक की एक सबसे अच्छी चीज जो हमने ट्रायंगल ऊपर लिया है वही सेम ट्रायंगल हम बैक साइड पे लेंगे ओके ताकि हमें ये आप उठा लें तो टर्न करके दिखाएंगे इसलिए हम दोनों तरफ ट्रायंगल लेंगे क्योंकि बाल चारों तरफ से एक जैसा दिखना चाहिए ये ना हो कि फ्रंट पे किसी कोई और लग रहा हो बैक पे कुछ और लग रहा हो तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए ये अगर मेरे ख्याल से कैमरा वन हमें ओके ये देखें ये हमारा ट्रायंगल है ट्रायंगल ठीक है ये देखिए इस तरीके से ट्रायंगल हमारा देखो एक ट्रायंगल हमारा ये आ गया एक हमारा ट्रायंगल ये आ गया ये हमारे दोनों ट्रायंगल हो गए अब इसको अगर ये मुड़ाईंदा तो सजो ये ता दिसो पे तो यही सेम पे थे तो ये अब आ गया हमारे सेक्शन सारे सेपरेट हो गए और उने जे कुंडगा जी है ते साइड का कुंडगा अलग सा खयो है इने में भी प्रोपोर्शन करे वे एकड़ो ने पासे एकड़ो ता हुने पासे दिसना होगा अब हम इसको हम एप्लीकेशन करके हम स्टार्ट करते हैं ताकि हमारी फेस फ्रेमिंग वगैरह सारी स्टार्ट हो जाए और जल्द से जल्द हमारा हम अपने प्रोसेस की तरफ पहुंचे वॉइस पर अच्छा लग गई है अच्छा इस बलियाज के अंदर सबसे मज़ेदार चीज़ एक चीज़ जो बहुत डिफरेंट होती है वो ये होती है हमें कोई भी स्टैंड करना होता है उसके लिए हमें पहले बैक कॉमिंग की नीड पड़ती है ओके तो बैक कॉमिंग जब हम करते हैं तो हाँ बैक कॉमिंग जब करते हैं वो उससे ये होता है कि हमारे पास ब्लेंडिंग बड़ी अच्छी आती है
अच्छा ये फेस के हिसाब से भी कलर लिया जाता है ताकि जो सूट करे आप पर। जी बिल्कुल बिल्कुल। अब इसी तरीके से हम फॉइल्स लगाना शुरू करेंगे। अच्छा ये थोड़ा आप इस तरफ आ जाइएगा ताकि ये हमारे यहाँ कैमरा वन अगर ये करे। हाँ कैमरा थ्री है कैमरा वन बई इनके कवर अप कर। अच्छा इसके अंदर आपको सबसे एक चीज़ आपके जो कलर के स्ट्रोक्स है ना वो आपको सही तरीके से उठाने पड़ते हैं, ठीक है। आपका जो कलर के स्ट्रोक है वो ताकि आपके बालों में किसी भी तरह का कोई पैच या कोई निशान ना आए। इस तरीके से करके अच्छा अब हम आ रहे हैं ऊपर की तरफ फेस की तरफ। ये हमारा रहा फेस, ठीक है। हम इसको बिल्कुल फेस के पास से उठाएंगे और हमारी जो अब जो एप्लीकेशन होगी वो फेस कंट्रोलिंग। यहाँ से हमारे साइड के जो चिक्स बोन वगैरह वो यहाँ से निकलेंगे। अब इससे हमारा फेस का फ्रंट ऊपर का आएगा, ठीक है। इस पर भी हम वही करेंगे। पहले हम हल्की सी बैककॉम्बिंग करेंगे। बैककॉम्बिंग करने के बाद अब हम इस पर एप्लीकेशन करेंगे। अब इसके हम सेक्शन नहीं निकालेंगे, अब इसमें डायरेक्ट हम एप्लीकेशन करेंगे। एप्लीकेशन कुछ इस तरीके से होगी कि हमारे जो फेस फ्रेमिंग है वो सही हो। ओके अब ये बिल्कुल डायगोनल जाता रहेगा, डायगोनल जाता रहेगा, जाता रहेगा। ऐसी तरीके से हमारी पूरी एप्लीकेशन जाती रहेगी। ये हमारा इस तरीके से आप ये देख रहे हो एक डायगोनल जिस तरीके से हमारा सेक्शन है उसी तरीके से हम पूरा जा रहे हैं ऊपर से लेकर नीचे तक। पूरा हमारे पास एक ही कलर है। हम इसको भी इसी तरीके अच्छा ये एक ही कलर इस्तेमाल किया जा रहा है नीचे के हिस्से में। जी पूरा एक जैसा ही होगा। बट ये हम ये लाइटनर कर रहे हैं, हम लाइटनर यूज़ कर रहे हैं। लाइटनर के साथ हमने ये बालों बिल्कुल हमारे जिस लेवल पे पहुंचाना होगा हमारे जिस ये चीज़ अगर हम बात करें कि अगर हम इसकी क्वान्टिटी का इस्तेमाल करें तो कितना होना चाहिए, कितना कलर कितना हो और फिर किस तरह ये ग्रामेज होता है। जैसे अच्छा। कि अब डिपेंड करता है कि अब क्लाइंट के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि हम अगर हम इन इस क्लाइंट की बात करते हैं हाँ। तो इन क्लाइंट को सर पे जितना बाल होगा उस हिसाब से हम ग्रामेज लेंगे। जैसे कि 100 ग्राम ले लिया, 100 ग्राम ले लिया, उसके बाद किसी का बाल की क्वान्टिटी कम है, थिकनेस कम है तो हम उसको हम कम ले लेंगे। तो इस तरीके से हमें ग्रामेज करके अच्छा कलर कितना डालें और तो आपको 100 ग्राम ही वॉल्यूम लेना इक्वली रहेंगे तो ये होता है कि हमारे लिफ्ट लेवल अच्छे लिफ्ट हो जाते हैं। अगर हम 1:2 ले लेंगे ना, यानी कि 100 ग्राम ले लेंगे, 200 ग्राम अगर डेवलपर ले लेंगे तो फिर हमारा जो है वो ज्यादा डैमेज की तरफ पहुंच जाता है। तो इसी तरीके से हमने डैमेज भी नहीं करनी, डैमेज भी नहीं करना, उन सबको भी केयर करना है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को करना होता है। अच्छा अब देखें हमने वो नीचे वाला जो सेक्शन किया उसके अंदर हमने फाइन सेक्शन लिया। अब इसके अंदर थोड़े से मोटे मोटे चंकी चंकी लिया। अब ये जब मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम तो होगा नहीं, ठीक है। अभी जब मैं आपको फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगा तो आप देखना कि इसी तरीके से होगा। कहीं पे हल्का सा मोटा होगा, कहीं से पतला होगा। कलर हो रहा है, मैं कह रही मुस्कुराओ तो सही, लड़की में देख रही इतनी देर से मैं यहाँ से खुश होकर मुस्कुरा रही हूँ। मेरे सामने बालियाज हो रहा है, मेरे बालियाज बहुत पसंद है और जब भी बालियाज करवाने जा रही होती थी तो ये कलर आ जाता। नहीं नहीं आपका कलर हो जाएगा, बहुत अच्छा होगा बिल्कुल। आप मुझे पता है रिजवान भाई मैं बहुत अच्छी हूँ। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ये एक मजाक कर रही हूँ क्योंकि एक होता है ना आप जब कहीं जाओ तो एक लाइवली माहौल हो, बड़ा मजा आ रहा हो। exactly. ओके क्या जी हाँ ये चीज मुझसे नहीं होती। अच्छा हमने एक साइड कर ली है अब हम आ गए दूसरी साइड पर। हम दूसरी तक भी बिल्कुल सेम पैटर्न यूज करेंगे ताकि हमारा फेस फ्रेम बिल्कुल इवन रहे। अगर हमने थोड़ा सा भी डिसबैलेंस करा तो हमारा एक साइड ऊपर लगेगा, एक साइड नीचे लगेगा। ओके। तो इसी तरीके से हम बिल्कुल सेम सेम ही स्टाइल सेम फॉर्मूला बिल्कुल सारी चीजें करके
हम इसको वहीं से स्टार्ट कर लेंगे। अच्छा, एक चीज मैं नोट कर रही हूं, इसकी मांग जो है वो साइड वाली, इसलिए उसका इसी तरीके से किया है, या बीच में से करेंगे? बीच में से करेंगे, है ना। इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे, पहले बैक कॉमिंग करेंगे, बैक कॉमिंग करने के बाद हल्के हल्के से चंक्स निकालेंगे और फिर इस पर हम एप्लीकेशन कर लेंगे। अच्छा, बजाय बालियाज जिस तरह लगता है कि नीचे का कलर अलग है, ऊपर का अलग है। हाँ, और लेकिन उसमें भी क्या टेक्निक से वो एक अलग है कि जैसे अब नीचे छोड़ा हुआ उसको कलर नहीं है, बिल्कुल ब्लेंडेड हो जाता है वो, बिल्कुल ब्लेंडेड हो जाता है बिल्कुल। ओके, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो इसी तरीके से हम पूरा का पूरा करते रहेंगे, ये करा साइड पे करा, फिर उसके बाद ऊपर किया, इसी के साथ पूरा करके हम आराम से कर लेंगे। एक चीज और भी है, मुझे याद है कि मेरी सिस्टर को बहुत आदत थी, आए दिन वो कलर्स करवाती थी, और उनके हस्बैंड कहते थे बस करवा के आओ, बड़े शौके। हाँ ठीक है ठीक है। तो उसका ये होता था कि जब वो करवाने जाती थी तो उनको हमारे जो हैदराबाद के पार्लर वाले जो बहुत मशहूर हमारे वहाँ के हैं, लेकिन ये मकसद ये है कहने का कि बचपन से उनसे करवाते आए हैं कटिंग, बालों की कलर हो, फेशियल हो, कुछ भी, तो वो जाते थे तो मना कर देते थे, चाहे हम हो चाहे कोई और हो। वो कहता था पैसों के लिए मैं जल्दी कलर नहीं करूँगा, क्योंकि आपके बालों को ज़रूरत ही नहीं है डाई की इस वक्त, अभी कम से कम 6 महीने गुजारें, अगर आपको मेहंदी लगी हुई है तो भी 6 महीने गुजारें, अगर आपने डाई किया है तो कट डाउन करने के लिए कर सकता हूँ, लेकिन आपके बाल डैमेज हो जाएंगे, इतना जल्दी जल्दी मत करवाएं, बार बार मत करवाएं, एक लिमिट रखें। इसमें कितनी सच्चाई है आप बताएं उन्हें। आपको मैं सच्ची बात ये बताता हाँ। हूँ कि हमारे अब हम लोग इतना, लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई है, इतने ट्रीटमेंट्स आ गए हैं, इतने मल्टी बॉन्डेड ट्रीटमेंट हैं कि अगर हम वीकली कलर भी करते हैं तो बाल हमारा डैमेज नहीं होता। मतलब और इतना जदीद दौर हमारे बचपन की बात बता रही हूं। और अब हिना वाले बाल, सारे बाल ट्रीट हो जाते हैं, सब कुछ हो जाते हैं, अब जल्दी अब हो जाता, अब कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। केमिकल्स में एक पावर था बहुत ज्यादा, अब तो सब कुछ पॉसिबल है। जैसे कि अगर हम इसी को करते हैं, अब हम अपने हर क्लाइंट को वो बोलते हैं कि आप कम से कम भी 3 वीक्स के बाद आकर बालों को एक टोनिंग या ग्लोसिंग करवा लिया करो उससे। अब जैसे कि ये बलियाज में कर रहा हूँ, इन क्लाइंट को अभी करने के बाद, अभी इन क्लाइंट को करने के बाद मैं इनको 3 वीक्स बाद दोबारा बुलाऊंगा, यार आप ना ग्लॉसिंग के लिए आप मेरे पास वापस आना, क्योंकि हम लोग एशियन है तो थोड़ा सा बाल जो है वो निकलता, पिगमेंट निकलता है, जो अंडरटोन होता है वो अंडरटोन निकलता जरूर है, फॉइल अंडरटोन निकलता जरूर है, तो वो अंडरटोन के लिए फिर हमें दोबारा बुलाना पड़ता है। अब जैसे कि आपका बाल है, आपके बालों का थोड़ा सा अंडरटोन बाहर आया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा येलो येलो सा लग रहा, बाकी ये कि उसको ग्लॉसिंग करेंगे, टोन अप करेंगे, तो ये बहुत स्मार्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं हमारे लोग एशियन बालों के अंदर, ये सारी चीज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा आप ये देखो, हम दोबारा हमने जो पैटर्न हमने वहाँ यूज़ किया है, हम सेम वही पैटर्न हम यहाँ यूज़ करें इस साइड पे, ताकि हमारा फेस जो है वो इवन रहे। बिल्कुल, तो अब जितना भी है सब कुछ पॉसिबल है, ख्याल के आप रूटीन पे कलर करा सकते हो, मतलब पॉइंट खाली बताइए, रूटीन में कर सकते हैं। आजकल कुछ भी हो सकता है, बाल डैमेज उतने नहीं होते जितने होने चाहिए थे। आजकल होता है ये, बाल जितने डैमेज होते हैं ना, सिर्फ बाल जो बर्न हुआ वो होता है ना, प्रॉपर वाला बर्न हुआ वो होता है, उसके अलावा हर तरह का बाल रिकवर हो जाता है, और 110% रिकवर होता है, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं होता। अच्छा अब हम आ गए ऊपर वाले एरिया पे, ठीक है, तो ऊपर वाले एरिया को कुछ हम इस तरीके से करेंगे, इसको हमने दोनों अपने साइड जो है वो एंगुलर लिए हैं, ठीक है, अब हम एंगुलर नहीं लेंगे, इसको बिल्कुल स्ट्रेट लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल बना हुआ है, हमारे पास एक साइड पे जो है हमारे पास बिल्कुल फ्लैट है, हम उसको फ्लैट को ही लेकर चले हैं, कंटिन्यू करेंगे, तो हम इसी तरीके से करेंगे। अच्छा यहाँ वाले एरिया, जो ऊपर वाला क्राउन वाला एरिया, उसके अंदर हम सेक्शन को छोड़ेंगे नहीं, हमने नीचे साइड में जो सेक्शन लिया है उनको सेक्शन को हमने एक स्टैंड करा है और एक स्टैंड छोड़ा है, इस पर हम छोड़ेंगे नहीं, इसको हम कंटिन्यूसली हाँ कंप्लीट सारे के सारे बाल करते रहेंगे। इसको भी हम उसी पैटर्न पे करेंगे, पहले हम बैक कॉमिंग करेंगे, बैक कॉमिंग करने के बाद हमने इसको चंक निकाले। अच्छा चंक भी अलग अलग तरह निकलते रहे, एक तो कोई बहुत ज़्यादा मोटे मोटे निकलते हैं और कोई बहुत भारी भारी, हमने बिल्कुल नॉर्मल लिए हैं, आप ये देख सकते हो ये बिल्कुल नॉर्मल है ये, ताकि इसके अंदर बुरे भी ना लगें। और अब होता है कि अब जैसे कि आप कोई भी चंक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो,
तो इस तरीके से आपके बाल बहुत ज्यादा वो लगते हैं, चंकी लगते हैं, बड़े बड़े लगते हैं इस तरीके से। और एक चीज मैं आपको और इसकी मेजर टेक्निक बताऊं, इसके अंदर होता यह है कि उसके बाद होता ये है कि अब हम जैसे कि हम करें, अब इसके अंदर कलर का आपने एक चीज़ देखी होगी कि हम इसे कलर का स्ट्रोक यून लगाना, यूं के बजाय अब उल्टा स्ट्रोक लगाना पड़ता है इस पर। अच्छा, उल्टा स्ट्रोक लगाना पड़ता है। उल्टा स्ट्रोक लगाएंगे तो उससे ये होगा कि हमारे किसी बालों में कहीं पे भी कलर नहीं नजर, वो नजर नहीं आएगा। थोड़ा इसको इस तरफ, हाँ नहीं यूं आ रहा है किस तरफ, ये सामने हमारी सामने वाली स्क्रीन पर इस तरह। अच्छा मेरे, अच्छा वो बैग दिखाना है ना इनका। हाँ, बैग दिखा। अच्छा तो हम ये देखा, अब उस पर तो आपको सही नजर नहीं आएगा, मैं आपको इस पर दिखा देता हूँ सही तरीके से। तो हमने ये उठाया सेक्शन, हम इसको उसी तरीके से, हमने जितने भी सेक्शन लेने हैं सब सेक्शन के अंदर हमने बैक कॉम्बिंग जरूर करनी है। बैक कॉम्बिंग नहीं जरूरी है, बैक कॉम्बिंग नहीं करेंगे तो हमारे पास हमारे बाल जो है वो उनके अंदर एक लाइन आ जाएगी। हमें बाल खूबसूरत दिखाने हैं तो वो लाइन ना जाएगी तो लाइन थोड़ी सी बुरी लग रही होती है, अच्छी नहीं लग रही होती है। अब जैसे इस तरीके से मैं बैककॉम्बिंग की, बैककॉम्बिंग करने के बाद हमने इसको बिल्कुल ये देखें, ये बिल्कुल बारीक और फाइन सेक्शन है, बिल्कुल किसी भी तरह का वो नहीं है। अब इसको हम ये देखें, हम आपको मैं इसका एप्लीकेशन के स्ट्रोक दिखाता हूँ कि किस तरीके से स्ट्रोक लगेंगे। हम यूं नहीं लगा सकते हैं, हम यूं वाला नहीं लगाएंगे, यूं लगाएंगे तो हमारे बालों में एक निशान आ जाएगा। ठीक है, हमने यूं उल्टा एप्लीकेशन देनी है, उल्टी ही तरह, उल्टी डाउन टू अप, डाउन टू अप, डाउन टू। अब इससे करेंगे ना आप, ये देखो इसके ना बिल्कुल एक, आप इधर ये देखो ना बिल्कुल एक निशान जो है वो कहीं पे भी नहीं है, बिल्कुल ब्लेंडेड है, ब्लेंडेड है। अब इस तरीके से उल्टा स्ट्रोक करना है ताकि हमारे पास कहीं से भी हमारे बाल, अगर एग्जांपल आप किसी भी दावत पे जाते हो कहीं जाते हो, कम से कम एक भैया पता चले हाँ कलर अच्छा हुआ, अच्छा हुआ है। वही वाली बात ना हमारे इंट्रो की ये बात थी कि आप जो भी लिखते हो, आप जो भी किसी के बारे में कहते हो, आप जो भी बताते हो, आप अपने आप को नहीं पूरे अपने खानदान को रिप्रेजेंट करते हो, अपने काम को रिप्रेजेंट करते हो। तो आप भी वही चीज कर रहे हैं कि ये आपकी टेक्निक्स, आपका काम जो आपको रिप्रेजेंट करना है कि रिजवान असलम है क्या, क्या हमें उसके पास जाना चाहिए, क्या वो ये टेक्निक समझता है। अगर वो समझ ही नहीं रहा तो क्या फायदा। अब ये देखें बिल्कुल, आप ये देखो हमने बिल्कुल ऊपर एप्लीकेशन करी, कहीं से हमें कोई लाइन नजर नहीं आ रही, कुछ नजर नहीं आ रही, बिल्कुल पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक इवन है बिल्कुल। हम इसको इसी तरीके से हम पूरे सर की एप्लीकेशन इसी तरीके से करेंगे तो जाके हमारा एक अच्छा सा एक आउट ऑफ रिजल्ट आएगा। अच्छा, अगर जैसे इसके ब्लैक हेयर है तो इसके साथ आपने कॉम्बिनेशन कौन सा रखा है? अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि हम लोग एशियन है, ठीक है, एशियन के अंदर पहले से हमारे बालों के अंदर हल्का सा गोल्ड होता है, रेड भी होता है, और तो अगर हम जितना गोल्ड कैरमल के अंदर जाएंगे ना तो वो उतना हमें बहुत स्मार्ट लगता है। अब जैसे कि मैं आपको, हमारी एक मॉडल रेडी है बिल्कुल, मैं आपको दिखाऊंगा क्योंकि हमारे पास शो में इतना टाइम होगा नहीं। हाँ। क्योंकि अगर हम पूरा प्रोसेस करने चले तो फिर हम बैठे ही रहेंगे। तो हम टेक्निक सिखा रहे हैं, मॉडल हमारे पास ऑलरेडी इसी तरह की टेक्निक्स के साथ है, जो लास्ट लुक इसका क्या है देख लें, इसी वो तमाम असा हर टेक्निक जो कौन उन जो इस्तेमाल आ की हुए छा हो रिजल्ट छा हर शे अवेलेबल कर रखा आयो या खासियत आ पीटीवी नेशनल निकालो। अच्छा, ये जो काम अगर आपसे कोई करवा रहा है कितनी चार्जेस लग सकती है? देखो लेंथ के ऊपर, लेंथ के ऊपर बहुत मैटर करता है। चलो हम इसी को ले लेते हैं क्योंकि जो आप दिखाएंगे वो भी यही लेंथ और यही होगा, ठीक है ना? अब जैसे कि इस वाली लेंथ के ऊपर है, अब बेस का ब्लर भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद जो है मिनिमम 18 to 20,000 तो होते ही होते हैं। लेकिन आप हमें एक ऑफर अच्छी सी दे दे के हमारे प्रोग्राम की वजह से मॉर्निंग शो पीटीवी नेशनल की तरफ से कोई आया, पीटीवी नेशनल की तरफ से कोई भी आएगा तो उसको 25% डिस्काउंट, 25% तो मिले वंजे छाक बनाओ तकड़ के हो भजियो बाबा। तो 25% आके उस पर बल्याज हो या कलर हो जो भी हो सारी ताकि मिली भी तो सहूलत, बस पार्लर बने हो ताकि सहूलत मिली भी। वाह वाह जबरदस्त। तो
हम फिर दोबारा देखा, हमने यूं यूं करके स्टेप नहीं उठाना, हमने जो भी स्टेप उठाना हम जहाँ हमने नीचे की तरफ किया तो हमारे बालों में एक निशान आ जाएगा, वो निशान जो है वो आप क्लाइंट को तो बैक से नजर नहीं आता, बट एक ऑनेस्टी भी तो एक चीज होती है ना, तो कि आप अपना काम ऑनेस्टली करते रहोगे तो आपका एक रिजल्ट अच्छा आता है। जबरदस्त जबरदस्त। अब ये टोटल प्रोसेस कितने टाइम का होता है? ये वाला प्रोसेस पूरा का पूरा होता है 3.5 आवर का, मिनिमम 3.5 आवर का होता है। ये तो आपने मतलब वो जल्दी जल्दी करके हमें दिखाया है। ये हाँ, ये आपको होता यही है, जल्दी में भी यही होता है, देर में भी होता है, बट जो होता है सेक्शन वगैरह सारा। हम अब ये हमारा हो चुका है, ये लास्ट हो रहा है, ये लास्ट को आप हाथ लगाएं तो हम आप अपनी मॉडल बुलवा लेते हैं, बुलवा लेते हैं हम, ये हम कर लेते हैं। ये आखिरी थी बने ऐसा तांगे ने फाइनल लुक था दिखा रही हूं। देखा अब हम पर ये आ गया, इसको भी हम उसी पैटर्न में करेंगे, इसको पहले बैककॉम्बिंग करेंगे, बैककॉम्बिंग करने के बाद अच्छा बैककॉम्बिंग जी की मथे वाली ऊपर वाली की नीचे वाली नहीं होनी चाहिए। हाँ ये बैककॉम्बिंग है जो थोड़े से बाल लिए, बाल लेके यूं करके सारे बाल यहां जमा हो गए। अब ये पूरा पॉइंट आ जो डेलाई मानू कदा ने हेठ आती हुई गाल तो बैककॉम्बिंग आती है कोने मथा ही करनी है। अभी देखो बैक यहाँ पे बैककॉम्बिंग हुई हुई है, तो बैककॉम्बिंग की वजह से बाल यहाँ से ऊपर तक नहीं जा रहे, तो इसको हम खोल के रखेंगे। असली मॉडल तो अच्छी भैया लेकिन मुझे थोड़ो स्टॉप बस ही फाइनल वार हो जाए ताकि एकदम लुक दिसदा हो तो ताकि अट्रैक्शन लगदी है मुके हिंजर का परे काई पे लगे दाढ़ी सुनी। चले ये हमारा हो गया पूरा, हमारा ऊपर वाला एरिया पूरा हो गया। जितनी देर में हमारा ये कलर होगा उतनी देर में हमारे पास टाइम नहीं होगा, तो हमने मॉडल पहले से तैयार करके रखी है, अभी इनका कलर हम आगे कंटिन्यू करेंगे पर हम बैक स्टेज करेंगे ताकि हम इनको पूरा करें। अब ऐसा अधूरा तो छोड़ नहीं सकते हैं, पूरी सहूलत स्टूडियो में तो कौन होंगी, सो ही रिसीव उठो। हां सारी मॉडल अच्छी बनी प्लीज। ये हमारा पूरा फाइनल रिजल्ट है हमारा जो हमने किया था। हाँ। यही टेक्निक यही सारी चीजें ये हमारी इस तरीके से है, ये हमारा लुक देती है फाइनल बलियाज का। ठीक है पूरा अप टू डाउन पूरा जैसे आप देख रहे हो पूरा फेस फ्रेमिंग है, सारी चीजें हैं, फेस को भी कवर कर रहा है, पीछे से भी पूरा अच्छा है, पूरे तरफ से एक जैसा लग रहा है। अब जो सर टर्न हो ना टर्न बैक करो बैक 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 आप ये देखो बैक पे देख लो कहीं से भी इसका कुछ निशान अच्छा लग रहा है हर तरफ से, आपको मोटे स्टैंड लग रहे हैं कहीं से पतले लग रहे हैं कहीं से सब, और फ्रंट से हमारा फेस फ्रेम जैसे कि हमारा ये पूरा है आप ये देख लो आप पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक एक जैसा बाल आ रहा है। वाकई मेहनत तलब का मां फिर उसके बाद अब ये फेस हमारी फेस कंटूरिंग है। वाओ तो फेस कंटूरिंग अब जैसे वो फेस पे आ रहा है तो पूरा का पूरा एक फेस ट्रिम लग रहा है, तो ये अलग अलग टेक्निक। अच्छा जो ये इनको आपके साथ जो है आपकी इनके भी यही चीज है? नहीं इनका स्ट्रीक्स हुई हुई है। अच्छा स्ट्रीक्स ये एक अलग टेक्निक है, ये एक अलग टेक्निक है, पर दोनों में हुआ हुआ कलर यहां आप आ जाए थोड़ा सा बराबर में। ये लुक बता दे सो इसका लुक भी आप बता दे प्लीज। देखो इन पे जो है वो स्ट्रीक्स हुई हुई है। अच्छा तो जो ये टेक्निक अलग है ये टेक्निक अलग है, बिल्कुल अलग है, बिल्कुल ऑपोजिट टेक्निक है, बट ये सिंपल जो एक अरसे से चलती आ रही है ये वही टेक्निक है, ये अभी लेटेस्ट। हाँ ये तो लाजमी बातें चलती आ रही है, हर कोई कर रहा है। जी बिल्कुल वाकई। हाँ थैंक यू सो मच अपना रिजवान, बहुत अच्छी बड़ी अट्रैक्टिव और वाकई उनके जो शेप है फेस का उसके लिहाज से उस पर कलर और कॉम्प्लेक्शन पे भी और फिर जो वो उसको कर्ल किया हुआ है तो वो भी बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, अट्रैक्शन एक आ रही है। बिल्कुल मॉडल चाहिए तो वाकई हुआ मॉडल पर ही लगे। सो थैंक यू सो मच, वेलकम। आप तीनों को भी तीनों मॉडल्स आप अपने नाम भी बता दें तो राफिया कोमल महक फाइनल लुक महक सो महक वही महक वजी चढ़ी असने प्रोग्राम में सो वरी उदाहरण दी साई है इधर आई वरी वापस आज ਡਾਟੜਨ ਥਾ ਜਦੇ ਸਿਜ ਤੋਂ